हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर एक नई रिक्रूटमेंट आई है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये जॉब की रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ पे तीन पोस्ट के लिए जॉब्स निकले हैं। अपर डिविजनल क्लर्क, स्टेनोग्राफर एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑन द रेगुलर बेसिस। तो तुम्हारा तो अपर डिविजनल क्लर्क की है, स्टेनो की और एमटीएस की है। उसमें सभी जगह 258 है। अपर डिविजनल क्लर्क की तीन अपर डिविजनल क्लर्क की टोटल 318 है, स्टेनो की 18 है और मल्टीटास्किंग स्टाफ की 258 है। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो डिग्री है किसी भी कॉलेज से जो यूजीसी ग्रांटेड हो, और वर्किंग नॉलेज ऑन कंप्यूटर इंक्लूड्स ऑफिस ऑफिस सूट्स एंड डेटाबेस। स्टेनो के लिए क्वालिफिकेशन है 12th पास, और इंग्लिश हिंदी टाइपिंग की कंप्यूटर पे, और मैट्रिक और एमटीएस के लिए मैट्रिकुलेशन सिर्फ 10th पास मांगा गया है। और जो यूडीसी और स्टेनो के लिए एज है वो 18 से 27 है, और एमटीएस के लिए 18 से 25 तक। तो हम इसका सिलेबस भी देखेंगे क्या सिलेबस है। तो पहले अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन फी देखेंगे। तो एस सी एस टी फीमेल कैंडिडेट, दिस फी ऑफ 250 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस एज एप्लीकेबल ऑन अपियरिंग द कैंडिडेट फेस वन रिटन एग्जामिनेशन। तो फी अमाउंट 250 है, और वो एग्जाम के बाद वापस भी किया जाएगा, और अदर कैटेगरीज के लिए 500 रुपीज़ है। 250 किसके लिए? तो एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी फीमेल कैंडिडेट डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स उनके लिए। तो यहाँ पे हम सिर्फ अभी सिलेबस देखेंगे। तो स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन अपर डिविजन क्लर्क के लिए है। प्रीलिम का एक सिलेबस है वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, और सब पर एक एक मार्क का होगा सब क्वेश्चन। सॉरी दोस्तों, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क रहेंगे। तो 4 सब्जेक्ट आएंगे या जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कंप्रेहेंशन, और इसका ड्यूरेशन रहेगा 1 आवर टेस्ट का। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे, और ये इंग्लिश कंप्रेहेंशन है ये सिर्फ इंग्लिश में ही रहेगा। और इसकी है फेज 2 एग्जामिनेशन, जिसका सिलेबस है इसमें भी 4 है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कंप्रेहेंशन, और ये 50-50 क्वेश्चन रहेंगे सभी, यानी टोटल 200 क्वेश्चन, और मैक्सिमम मार्क्स 200 ही रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स रहेगा। और इसका भी हिंदी इंग्लिश 3 पेपर के लिए, और लास्ट का जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है उसके लिए इंग्लिश रहेगा। और यहाँ पे होगी आपकी थर्ड थर्ड फेस है वो कंप्यूटर स्किल टेस्ट। तो इस पे प्रिपरेशन ऑन पावर पॉइंट स्लाइड्स, आपको स्लाइड्स बनानी होंगी, इस पर 10 मार्क है। एमएस वर्ड पे टाइपिंग करनी होगी, मैटर जो दिया जाएगा वो टाइप करना है, 20 मार्क्स दिए जाएंगे। और आपको एक एमएस एक्सेल पे टेबल बनाना है वो भी फार्मूला यूज़ करके, और उसके लिए रहेंगे 20 मार्क्स। जो टोटल मार्क्स आएंगे वो 50, और 30 मिनट आपको दिए जाएंगे। तो अब एक क्वालिफाइंग मार्क्स दिए गए हैं,
पेपर वन, पेपर टू और पेपर थ्री। तो आप ये डाउनलोड करके चेक कर लीजिए। ये SCST के लिए है, एक 45% अनरिजर्व कैटेगरी, 40% OBC कैटेगरी, EWS कैटेगरी 35 मार्क्स, फॉर SCST एक्स सर्विसमैन कैटेगरी 30 मार्क्स, 30%। जो SCST एक सर्विसमैन लगे उनको 30%, और PWD कैटेगरी। और ये दो क्वालिफाइंग मार्क्स, फेस टू कंप्यूटर स्किल, ते सभी टाइप कंप्यूटर टेस्ट, 40 PTWD विल बी डिसाइडेड एज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ESIC। जो स्टेनोग्राफर है उसका सिलेबस 3 सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रेंशन, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस। नंबर ऑफ क्वेश्चन है 100, मैक्सिमम मार्क्स 100, दूसरे पेपर के 50 और मैक्सिमम मार्क 50, जनरल अवेयरनेस 50, मैक्सिमम मार्क 50, और इसका ड्यूरेशन रहेगा 70 मिनट, 35 मिनट, 20 मिनट। और इसका वर्जन होगा हिंदी एंड इंग्लिश एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन। इसका भी जो एग्ज़ाम का है वो फेज टू में होगा। इसमें 2 सब्जेक्ट हो गए, इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश के 50 मिनट्स और हिंदी के 65 मिनट्स टाइम ड्यूरेशन। और PWD कैंडिडेट्स के लिए 70 मिनट्स एंड हिंदी के लिए 90 मिनट्स। और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आते हो तो इसका सिलेबस है 4 सब्जेक्ट, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 है, मैक्सिमम मार्क्स 200, यानी एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स है। और पहले 3 सब्जेक्ट को इंग्लिश एंड हिंदी में रहेंगे, लैंग्वेज होगी, और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन के लिए इंग्लिश ही रहेगी। और इसके लिए मेन एग्जामिनेशन है, जो मैक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन है 200 और हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क है। टोटल इसका रहेगा 2 आवर। और जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है उसका 1 आवर था। और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन इंग्लिश में रहेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स इन फेज वन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी, फेज टू विल बी 45%, 40% OBC एंड 35% ऑफ SCST। तो इनके लिए ये परसेंटेज होगा जो क्वालिफाई होगा। तो सारी देखनी हमने जॉब रिक्रूटमेंट, कर्मचारी राज्य बीमा निगम। तो आप फॉर्म भर सकते हैं 15 जनवरी 2022 तक। धन्यवाद।